हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग आनंदित होंगे। आज हम जो पॉलिटी के लेक्चर सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी अच्छा प्यार और स्नेह हमें देखने को मिल रहा है। एंड इसी प्रकार का स्नेह और प्रेम आप बनाए रखें, हम आपकी मदद करते रहेंगे। तो बेसिकली आज हमें लेक्चर 3 को डिस्कस करना है, और जब हम बात करते हैं लेक्चर 3 की, तो बेसिकली इससे पहले आपको दोनों लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको देखना होगा तभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के बारे में जाना था, साथ ही साथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है भारत में। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ये आप देखते भी हो, आपको बस आराम से लिंक करना है अपने डे टू डे एक्टिविटीज के साथ। ठीक है, आपको जो न्यूज़ देखते हो आप लोग वेरियस न्यूज़ चैनल्स में, तो आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या चल रही होती है इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेट से कि अभी फिलहाल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ये सब आप अपने टीवी पर देख सकते हो, अगर आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ फॉलो करते हो, या फिर न्यूज़पेपर ही क्यों नहीं पढ़ते हो। ठीक है, उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हुआ था। तो ऐसे में आपको टॉपिक के साथ चलना है, जो न्यूज़ में चल रही है वही कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर लेंगे, तो साथ ही साथ हमारा जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा और हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो ऐसे चलने में काफ़ी मज़ा भी आता है, और बेसिकली आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होती है। एंड द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू फ्रेंड्स, कि द रिविजन मस्ट बी योर प्रायोरिटी। कहने का मतलब ये है कि मैं तो आपको पढ़ा दिया प्रेसिडेंट का टॉपिक या फिर प्रीएम्बल का टॉपिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज पैसिव लर्निंग। तो जब हम बात करते हैं पैसिव लर्निंग की, तो इसमें आपका दिमाग सिर्फ सुनता है, देखता है, लेकिन जनरली प्रोसेस नहीं करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्टिव लर्निंग की, तो वहाँ पर बेसिकली आपका जो माइंड है वो बेसिकली पढ़ेगा भी और प्रोसेस भी करेगा। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब किसी चीज़ का एनालिसिस करते हो, तो बेसिकली वो है आपका एक्टिव लर्निंग। और वो जब एक बार आप सीख जाते हो तो आपके अंदर चीज़ें अंदर आने लगती है। और अगर हम बात करें रिवीजन के इम्पोर्टेंस को, तो उसको आप डेली लाइफ से भी लिंक कर सकते हो। जैसे हम डेली बेसिस पे तमाम गतिविधियाँ करते रहते हैं, जैसे ब्रश करना या फिर आपका मार्केट से सब्जियां लाना, ये सब कॉमन चीज़ चलती रहती है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि डिस्पाइट हम लोग मार्केट पर चल रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस रहता है कि हमें जाना कहाँ है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ोन पर बात कर रहे हैं आराम से, रास्ते में चल रहे हैं। तो ये सब भी चीज़ें आपकी पहले से माइंड में फिक्स हो जाती है, बिकॉज आपने बार बार उसी रास्ते पर चला है, एंड चलते चलते आपकी जो वो रास्ते हैं वो दिमाग में इमेज बन गई है। उसी प्रकार से जब आप प्रिपेयर करते हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो यही प्रोसेस होता है। ठीक है, बार बार रिवीजन करने से वो माइंड में आपके चिपक जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिमाग की कसरत करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपके दिमाग में वो सारी के सारी आइडियाज़ आने लगेंगी मोर एंड मोर रिवीजन के माध्यम से। तो ये एक सिंपल तरीका एंड ये सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जो चीज़ें आप देखते हो, जैसे मेन सेंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर ले, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक कहीं ना कहीं वो दिमाग में आपका आदत बनेगा नहीं। और बेसिकली ये सारा खेल आदत का ही है, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं अगर उसमें हमारी आदतें बन जाती है, तो बेसिकली वो अपने आप होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कंपेयर कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो अपने डेली एक्टिविटीज़ के साथ, मैंने आपको बताया भी। उसी प्रकार से चाहे आंसर राइटिंग की बात हो, चाहे कुछ चीज़ें को याद करने की बात हो, ठीक है, या फिर आपके जो एमसीक्यू सॉल्व करने की बात हो, तो सबका आदत बनाना पड़ेगा। पढ़ने की बात हो, पहले अगर देखा जाए तो जब आप प्रिपेयर करने आए थे शुरू शुरू में, तो आपकी जो पढ़ाई करने की पोटेंशियल होगी थोड़ी कम होगी, लेकिन जब आप इस जर्नी में आए हो तो पोटेंशियल बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? बिकॉज आपका आदत हो गया, आपकी माइंड ने उस आदत को पकड़ लिया, इसीलिए आप आराम से पढ़ते हो, आपको आराम से मज़ा आता है, और आपको
बेसिकली कोई दिक्कतें नहीं होती है। अगर कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा तो चीज़ें समझ में आने लगती है। लेकिन कंपैरिजन करते जाओ कि जब आप पहली बार इनिशियल फेज में आए थे इस तैयारी में, और अब आप में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, डेफिनेटली हुआ होगा। एंड ये सब आदत का खेल है। इसीलिए कहा जाता है कि बेसिकली योर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स इन योर एक्शन, या फिर कहो योर एक्शन गेट्स रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर। तो ये सब चलते रहती है, इन सब साइकिल को थोड़ा सा समझना है, और ये सब साइकोलॉजिकल इश्यू है। ये मैं कोई फिलोसफिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको भी ये बातें सही लग रही है, तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं आपके साथ। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाने का है। लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको देखते चलो, ऑब्जर्व करते चलो और समझते चलो, तो ऐसे में क्या होता है, माइंड में क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया इसमें। तो अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। तो मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट के बेसिक के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो प्रेसिडेंट है उनका इम्पीचमेंट किया जा सकता है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। और एक एक करके मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और खासकर हमने आपको बोल बोल कर भी बताया था। तो होप वो सब चीज़ें आपके दिमाग में चिपक गई होंगी। बस आगे क्या करना है, आगे सिंपल सा है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। एंड आपका जो भी डाउट होगा आगे के लेक्चर सीरीज में आपको डिस्कस हो जाएंगे, आपको कंप्लीटली पता हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना है वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब एक बात आप हमें बताइए, जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्या जहां पर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए? वैसे प्रेसिडेंट भी तो एक इंसान है, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। अब थोड़ा सा सोचिए कि वो क्या स्थिति होगी। वो स्थिति हो सकती है कि हो सकता है प्रेसिडेंट का जो टर्म है 5 साल का वो ओवर हो जाए, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो सकती है कि डेथ है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो सकती है कि भाई साहब रेजिग्नेशन दे दे अपना। चौथी इंपॉर्टेंट बात और क्या हो सकती है कि बेसिकली पार्लियामेंट उनको हटाना चाह रही हो टर्म से पहले, तो वो भी हो सकता है इम्पीचमेंट के माध्यम से। पांचवी बात क्या हो सकता है कि भाई साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, पता चला कि जो क्वालिफिकेशन थे वो फुलफिल नहीं हो रहे थे, फिर भी चुन लिए गए, एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है ना, ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, या फिर इलनेस, या फिर वो अपने टेम्पोरेरी पीरियड पर कहीं बाहर गए हुए हैं। ठीक है, ये सब भी तो बातें हो सकती है। तो ये सब बेसिकली मैंने आपको ग्राउंड बता दिया कि इन सब कंटिजेंसी पर वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरा सेक्शन का, कि लेट्स से कि अगर वैकेंसी हुआ, ठीक है, तो फिर कौन एक्ट करेगा प्रेसिडेंट के रूप में? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट है, जो नेशन है, खासकर इंडिया की बात करें, तो प्रेसिडेंट तो मस्ट है, होना ही पड़ेगा। तो अगर प्रेसिडेंट इन सब चार पांच कंडीशन जो हमने बताया, ऐसी सिचुएशन आ गई तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा? तो इसके लिए संविधान ने प्रोविजन किया है। इसको भी सोचने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? बिकाउज वाइस प्रेसिडेंट तो है ना। वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली ऐसे सिचुएशन पर प्रेसिडेंट का पावर एंजॉय करते हैं, प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करते हैं, लेकिन सारे सिचुएशन में नहीं। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आप देखो, पहला कंडीशन है आपका ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोला है कि भाई साहब 5 साल का प्रेसिडेंट का टर्म होगा। तो बेसिकली जब उनका टर्म एक्सपायर हो जाता है तो क्या होगा, ध्यान रखना है आपको, इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, सो दैट जब पहले प्रेसिडेंट का वो दिन आए जहां पर वो अपना पोजीशन खाली करेंगे, वही दिन आपका जो नए प्रेसिडेंट है वो बेसिकली ऑफिस पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म हो जाना चाहिए। लेकिन मान के चलो कि डिले हो गई, डिले किस लिए हो सकती है? हो सकता है कोविड की सिचुएशन हो गई, हो सकता है कोई और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, वॉर जैसी सिचुएशन कुछ भी ऐसी जिसके कारण जो इलेक्शन है वो डिले हो गया। तो बेसिकली क्या होगा कि जो पहले के प्रेसिडेंट हैं जो ऑफिस को
एज्यूम किए हुए हैं वो कंटिन्यूसली ऑफिस को होल्ड करेंगे अंटिल एंड अनलेस हिज सक्सेसर एज्यूम्स द ऑफिस। ठीक है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आज का दिन है, प्रेसिडेंट के जो सीट है वो वैकेंट होने वाले थे लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, कुछ कारण हो सकते हैं, तो बेसिकली प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो पता चला कि एक महीने बाद हुआ, तो अल्टीमेटली जो एक महीने का पीरियड है ना उस समय तक भी ये जो आपके पहले वाले प्रेसिडेंट है ना वो प्रेसिडेंट के रूप में बने रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली जब उनका टर्म एक्सपायर होने वाला रहता है तो पहली बात तो ये कि इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, लेकिन अगर उनके इलेक्शन डिले हो जाती हैं तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स द ऑफिस, ये ध्यान रखने। बाकी के सिचुएशन में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी के सिचुएशन में क्या हुआ, बाय हिज डेथ या फिर रेजिग्नेशन के कारण या फिर रिमूवल बाय इम्पीचमेंट या फिर ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस या फिर इलनेस के कारण टेम्पररी एब्सेंस है या फिर कहीं विदेश गए हैं फॉरेन बेसिकली गए हैं, तो इन सब सिचुएशन में क्या होगा, एक ही चीज़ होगी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बेसिकली एज्यूम करेंगे ऑफिस को अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है, तो टेम्पररी रूप में अगर होगा तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट टेम्पररी रूप से प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे, लेकिन आप देखो डेथ रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल इससे तो परमानेंट वैकेंसी हो गई ना, तो यहाँ पर आपका न्यू प्रेसिडेंट को चुना जाएगा, लेकिन ये जो है आपका सिक्स पॉइंट ये टेम्पररी वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम करेंगे द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ड्यूटी। ठीक है, तो ये बात को अच्छे से ध्यान में रखनी है। एक तो पॉइंट नंबर वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, एंड पॉइंट नंबर सिक्स, बाकी तो जो पॉइंट्स हैं उसमें आपके कॉमन चीज रहेंगे, ये बातें मैंने आपको बताया। तो क्या आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, क्या आपको हमारे वीडियोज के माध्यम से फ़ायदा मिल रहा है? अगर हाँ तो जल्द से जल्द आप लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड सर्कल को भी मदद करिए कि वो भी इन सब वीडियोज को एसेस करे एंड अल्टीमेटली वो भी फ़ायदा उठाए। एंड बता दूं मैं आपको, ये सारे के सारे फ्री इनिशिएटिव है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके सारे पॉलिटी के वीडियोज कवर कराने वाला हूं और ये सारा का सारा एम लक्ष्मीकांत का कंटेंट है एंड आपके एक एक डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आई थिंक सो, एंड अगर आपको डाउट फिर भी है तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, एंड ये ध्यान रखना है आर्टिकल 62 दैट डील्स विद द वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो यहाँ तक हमने बात की है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लो नोट में दो तीन बातें कि इन द केस अगर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ही वैकेंट हो, मान लो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है, ठीक है, उसके साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस वैकेंट हो, तब कौन प्रिसाइड करेगा, दिमाग लगाओ। तो बेसिकली तब प्रिसाइड करेंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी सीट वैकेंट है या फिर टेम्पररी रूप से एबसेंट है, तब कौन आपको प्रिसाइड करेगा प्रेसिडेंट के रूप में, तो वहां पर आपके सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रिसाइड करेंगे एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं अगर यूपीएससी थोड़ा सा डीपर गई तो। ठीक है, हालांकि आपको ये सब जो पॉइंट मैंने आप बता रहा हूँ बार बार रिवीजन करते रहने, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया आप बस आराम चलने फरमाने चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्ट, बिकॉज योर एक्शन विल क्रिएट रिएक्शन, तो जब तक आप एक्ट नहीं करोगे तब तक रिएक्शन भी नहीं आएगी, तब तक आप सीखोगे नहीं, तो इसलिए रिविजन करते रहिए बार बार आनंद से एंड इंजॉय करते रहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली ये तो सबसे आसान मुद्दा है भाई साहब, पावर्स एंड फंक्शन, और यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर मेंस के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन आ सकती है, तो अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगी तो कैसे लिखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन तो जनरली नहीं आती, लेकिन हाँ क्या पता आ जाए आपकी किस्मत जागृत हो जाए, तो फिर ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको आंसर बेटर लिखना है, बिकॉज सब तो सिमिलर आंसर लिखेंगे, लेकिन क्या आप डायग्रामेटिक वे से रिप्रेजेंट करवा सकते हो आंसर को, अगर हाँ तो फिर नंबर आपके हैं एक्स्ट्रा। कैसे, जैसे पावर ऑफ प्रेसिडेंट पर क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप ये सारे पावर को एक ही लाइन में लिख दिए,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो एवेल्युएटर है उसको लगेगा कि भाई साहब सारे पॉइंट तो इसने मिक्स कर दिए, तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो थोड़ा सा उनके कार्य को आसान करने के लिए, उनके टेंशन को कम करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाएं? तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो जब भी पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे ना, तो उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, उनके पास जुडिशियल पावर भी है, उनके पास इमरजेंसी पावर है, मिशलेनियस पावर है। तो भाई साहब इतने सारे तो पावर है उनके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो आंसर राइटिंग के लिए सिंपल सा, बेंजीन आपने केमिकल फॉर्मूला सुना होगा, ठीक है। इस प्रकार का स्टैंडर्ड आप डायग्राम बना लो, और पूरा फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड लिख लो, है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट करके, और कीवर्ड लिख लोगे और अल्टीमेटली डायग्राम बना दोगे। हाँ भाई साहब लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, एंड आपके जुडिशियल पावर है, इमरजेंसी पावर है, मिशलेनियस पावर है, ठीक है। अगर 5 है तो पेंटेन बना लो ऐसे करके, ठीक है। अगर 6 है तो बेंजीन बना लो, ठीक है। अगर 8 है तो और तोड़ दो आप ऐसे करके, या फिर आप सर्कल भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपको इनोवेटिव बनना है, ठीक है, सो दैट आपके आंसर्स एक प्रकार से अट्रैक्टिव लगे। पहले ही डायग्राम से जो राइटर है वो संतुष्ट हो जाए, मतलब इवेल्युएटर जो है वो संतुष्ट हो जाए, और आपको अच्छे से मार्क्स भी दे। तो ये सब कुछ तरीके हैं, जहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो करें। तो अगर हम बेसिक ओवरव्यू की बात करें पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, तो एक तो एग्जीक्यूटिव पावर होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहली बात ये कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, ये है क्या? इसके बारे में आपको पता है? मुझे लगता है आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आता होगा। लेकिन चलिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली देखो हमारे संविधान ने ना पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, जो पावर्स है जो संविधान ने दिए हैं वेरियस अथॉरिटी को, उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। क्यों डिवाइड किया है? कि भाई साहब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो। रिमेम्बर कि जब आपके मेडाइवल इंडिया थे, या फिर जब किंग या क्वीन का रूल होता था, तो समझिए सारे पावर एक के हाथ में सेंट्रलाइज हुआ करते थे, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर भाई साहब राजा लॉ बनाएगा, जुडिशरी पावर भाई साहब जो राजा ने सजा दे दिया वही सब कुछ है ना, कोई लॉ कोई कानून नहीं, राजा ने जो सजा बोला वो सजा, ठीक है। उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव जो बोला वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये चलती थी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लेकिन आप देखो किस प्रकार से चेंज आया टाइम के साथ, अब जो है डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब तो इंडिया में पावर और भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ग्रास रूट लेवल पर। कैसे? तो बेसिकली आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या है 73rd 74th CAA? तो बेसिकली लोकल सेल गवर्नमेंट, जो कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम फाइटर ने कितने लंबे समय से बेसिकली डिमांड की थी ब्रिटिश अथॉरिटी से कि भाई साहब दे दो लोकल सेल गवर्नमेंट। याद करो 1916 का फेज, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, क्या सब था? कहीं ना कहीं लोकल सेल गवर्नमेंट की ही तो डिमांड हो रही थी, लेकिन वो भी देने को अंग्रेज तैयार नहीं थे। तो ये सब कुछ न कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन आज हमारे पास क्या है, लोकल सेल गवर्नमेंट को पावर है, ठीक है, वोमेन रिजर्वेशन है, ठीक है, एंड बेसिकली जो कॉमन मैन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, वो भी लीडरशिप को अपना सकते हैं, ठीक है, वो भी गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में, डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पावर्स हैं, ये सब कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो होप आपको पता चल गया होगा। तो बेसिकली जो हम बात करते हैं संविधान ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तो बेसिकली ये तीन पिलर है, ठीक है, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के। और तीन पिलर में आपका एक हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया लेजिस्लेचर, एक हो गया जुडिशरी। तो बेसिकली जो लेजिस्लेचर है क्या कार्य करते होंगे? जी हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा है, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। इसीलिए आप देखते हो पार्लियामेंट हो या फिर आपके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सब हो, यहाँ से लॉ बनते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात क्या होगा, अगर लॉ बन गए तो भाई साहब उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करने वाला है हमारा एग्जीक्यूटिव, नाम से ही पता चल रहा है एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, एग्जीक्यूट करो प्रोग्राम को, यानी कि चलो इंटर मारो और उसको चलाओ,
उसी प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव है वो बेसिकली लॉज को एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें कौन आ जाता है आपका, इसमें गवर्नमेंट आ जाते हैं। गवर्नमेंट के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है। एंड ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे सिविल सर्वेंट्स की ही बात कर लो, तो एक बार ये सिलेक्शन होकर जाते हैं तो अल्टीमेटली इनकी जो टर्म है वो बेसिकली फिक्स रहती है, ठीक है। एंड जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो नेता सब हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो बैठते हैं, तो बेसिकली वो टेम्प्रोरी रूप से होते हैं, उनकी टर्म कोई फिक्स नहीं है। वो इलेक्शन जीतेंगे तो आएंगे, अगर हार गए तो फिर दूसरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बनेगा। तो ये सब सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ तीसरा कौन है, तो तीसरा है जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम है कि भाई साहब ये जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर तरह तरह के फंक्शन कर रहे हैं, चाहे लॉ बनाने का काम हो, लॉ एग्जीक्यूट करने का काम हो, क्या ये संविधान के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो जुडिशियरी का काम है ये देखना। अगर चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो आप बताओ क्या होगा। बेसिकली जुडिशरी उस बिल को, उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। और ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है। NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, ये सब कितनी बात हुई थी, हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार कंसेप्ट है, ठीक है। तो उस समय टसल चल रहा था, हुई सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम या फिर जुडिशरी सुप्रीम। तो बेसिकली अल्टीमेटली सॉल्व हुआ जाके आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत केशव दत्त भारती केस में, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में मैंने ये भी बताया था आपको कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, ठीक है। उनका कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई आप देखते होगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो कहां से आते हैं, जी हाँ, या तो लोकसभा से आएंगे या फिर राज्यसभा से आएंगे। मैं आपका सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, मैंने आपको बताया भी था, जो एग्जीक्यूटिव है ना वो लेजिस्लेचर के प्रति, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। दैट्स वाई अगर लोकसभा से मेजोरिटी खींच गई तो सरकार गिर जाएगी। ये सब चीजें आप देखते हो न्यूज में, तो आप समझने की कोशिश करो कि क्यों सरकार गिर जाती है, क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन पास अगर हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो ये सब लिंक करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तब आपको पॉलिटी पढ़ने में मजा ही मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, इसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लीजिए, आपको कोई टेंशन ही नहीं हो रहेगी, ठीक है। बाकी तो मनी वैसे भी कमा लिए जाते हैं व्यक्ति को, एक बार ज्ञान आने की जरूरत होती है। ज्ञान आया तो बेसिकली सब कुछ चीजें सही होने लगती है, ठीक है। गौतम बुद्ध का कहना भी यही है, ठीक है। तो ये सब बातें होगी, तो अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हमने कर ली। एंड टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना ना भूले, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। ये बीच बीच में मैं आपको बोलता रहता हूँ, सो दैट आप जो है सुनते रहो, नहीं तो आप लोग भी इग्नोर कर देते हो। इग्नोर नहीं करना है मित्रों, इसको आपको जगह जगह तक फैलाना है। इट्स लाइक ए रेवोल्यूशन की एजुकेशन के फील्ड में आपको अच्छे कंटेंट मिलते रहे, ठीक है, और जो भी नीड्स हैं लोगों की वो फुलफिल हो। तो इस प्रकार से आपको हमारा भी कोऑपरेशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स डिस्कस द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में क्या होंगे, पहली बात तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करने का काम, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या फिर अटॉर्नी जनरल है, या फिर आपके जो कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये सब कहीं ना कहीं जो CAG है, ये अटॉर्नी जनरल है, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की बात हो, याद करो कलीजियम सिस्टम, ठीक है। एंड गवर्नर को अपॉइंट करने की बात हो, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UT को अपॉइंट करने की बात हो, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द UPSC, ये सब आपके जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एंड चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 280, यस। एंड फाइनेंस कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए,
हालांकि पूछी नहीं जा रही है, लेकिन इस बार आई थिंक सो कि पूछी जा सकती है, क्योंकि आजकल यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है कि भाई साहब 1 साल से पहले का करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है उसको उठा उठा के पूछ लिए जाते हैं। ये बातें हो गई। साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की बात हो, ठीक है, ये भी आपके प्रेसिडेंट करते हैं। एंड इंटर स्टेट काउंसिल को गठन करने की बात हो, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल कौन से में दिया गया है? आई थिंक सो कि आर्टिकल 263, एक बार आप वेरीफाई कर लेना। आई थिंक सो कि 263 होनी चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। एंड कमीशन गठित करने की बात हो, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ एससीज एसटीज ओबीसी, तो ये सब भी आपके प्रेसिडेंट के अंतर्गत होता है, याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉय नहीं करते, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है नाम, एंड अल्टीमेटली प्रेसिडेंट तब जाके अपॉइंट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखनी है यहाँ पर बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो मैंने टेबल दिया है ना, वो इसीलिए दिया है कि आपको रिविजन हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एक जगह नहीं मिलेगी, यहाँ से आपको एक जगह पता है कि हाँ ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और बेसिकली प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, याद रखना है, कुछ कुछ हैं, एंड कौन कौन से हैं ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपके एम लक्ष्मीकांत में भी है, ठीक है, जैसे फाइनेंस कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सीएजी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। एंड इन सब के बारे में आपको अलग अलग से भी पढ़ना है, और मैं ये भी आपका कंप्लीट करवाऊंगा, आपको एक भी रत्ती टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर हियर एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। सो फ्रेंड्स, ये हो गई। एंड साथ ही साथ एक और एग्जीक्यूटिव फंक्शन देख सकते हो, डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स यूटी। तो ये तो अपॉइंटमेंट रिलेटेड हो गए, अपॉइंटमेंट रिलेटेड फंक्शन हमने देखा एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेकिन इससे ज़्यादा है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ तो अपॉइंटमेंट ही हो रहे, नहीं, ये जो स्टार मार्क्स मैंने आपको दिया ना, ये आपका दिल खुश कर देगा। कैसे दिल खुश कर देगा? बेसिकली इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो बताते हैं प्रेसिडेंट और क्या क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शन करती हैं, तो चलेंगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी था सो डेट आपको रिविजन करने में आसानी हो। लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब क्या? लॉ मेकिंग फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली पार्लियामेंट का डिसोल्यूशन करना हो या फिर प्रोरोगेशन करना हो, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से प्रेसिडेंट करती है, और ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव फंक्शन है, ठीक है। डिसोल्यूशन क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली पार्लियामेंट के चैप्टर में, ठीक है। एंड ये बातें हो गई। एंड एडवाइसेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस, है ना, जो आपके लोकसभा सब हो उसमें कुछ मैसेज भेजने की बात हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा को एड्रेस भी करते हैं, आपको ही पता है। एंड कब एड्रेस करते हैं, तो बेसिकली जो फर्स्ट सेशन, ठीक है, आफ्टर न्यू इलेक्शन, यानी कि जब नया इलेक्शन होता है, जो आपके मेंबर्स चुन कर आते हैं लोकसभा में, उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उसको एड्रेस करते हैं आपके प्रेसिडेंट। तो ये सब हमने देखा है, देखेंगे हम लेजिस्लेटिव फंक्शन में। साथ ही साथ नॉमिनेशन होता है, आपको पता है राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, है कि नहीं है? और ये 12 मेंबर्स कौन से फील्ड से होते हैं, ये आप हमें बताओ, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ ये देखो आप, अब ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया भी था कि जो पार्लियामेंट से कोई बिल पास होता है, कहने का मतलब राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, तो क्या इन दोनों हाउसेस से पास होने के बाद वो बिल एक्ट बन जाती है? नहीं बनती। जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं होगा, सहमति नहीं होगी, तब तक वो बेसिकली पास नहीं माना जाएगा। दैट्स वाई जो एसेंट देना यानी कि सहमति देना ऑन द बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट, ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, ठीक है। एंड लेइंग डाउन सम रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट, है ना, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो पार्लियामेंट में रखवाए जाते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, तो ये भी कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव फंक्शन है। वो कौन से रिपोर्ट होते हैं वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं ना, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3, 1, 2, 3 गो। कैसे याद रखोगे ऑर्डिनेंस के आर्टिकल? 1, 2, 3 एंड गो, आर्टिकल 1, 1, 2, 3 आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ठीक है। उसी प्रकार से जुडिशियल पावर की बात करते हैं, तो जुडिशियल पावर में आपका देख सकते हो एडवाइस लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑन सर्टेन लॉज ऑफ फैक्ट, या फिर पावर टू ग्रांट पार्डन। पावर टू ग्रांट पार्डन में आपका आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका रिप्राइव रिस्पाइट, है ना, डेथ रेमिशन करने की बात हो, तो ये सब कुछ बातें हैं, उसे भी डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट आपका कवर हो जाएगा, नो नीड टू टेक टेंशन, ओनली फोकस ऑन द स्लाइड आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक
है। एंड मिसलेनियस में ये है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, ये तो हमने बताया है आपको, और ये तो आप हर जगह पढ़ते भी होंगे। एंड साथ ही साथ कंक्लूड एंड अप्रूव इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, तो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के ही नाम पर होते हैं, ठीक है। और ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, आप जो है कान लगा के सुन रहे हो, ऐसा नहीं करना है, आपको रिविजन करना है इसका। यहाँ से पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आपको एग्जीक्यूटिव वाला मिक्स नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और DPSP से ऐसे इस प्रकार के सवाल आए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, इतना सारा डिटेल करने के बाद, हाँ, इमरजेंसी फंक्शन तो मैं भूल ही गया। इमरजेंसी क्या होता है भाई साहब, कि लेट से कि ऐसे चलो नॉर्मल स्थिति है, नॉर्मल सिचुएशन है हमारे देश की, तो हमारा जो फेडरल रिलेशन है वो चलता रहता है, स्टेट अपने नॉर्मल तरीके से परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, सेंटर अपने तरीके से परफॉर्म करता है, अगर रिलेशन सब कुछ, अगर देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन लेट से कोई एक वॉर हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ठीक है, तो बेसिकली ये सब इमरजेंसी की सिचुएशन है, ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हो कि किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई, तो ये कहीं ना कहीं आपका स्टेट इमरजेंसी का सिचुएशन हो जाएगा। या फिर यूँ कह सकते हो देश की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का सिचुएशन आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे संविधान में इमरजेंसी मेकिंग पावर दिए गए हैं, और जब भी इमरजेंसी लगेगी तो ध्यान रखना है, एक समय इमरजेंसी लग चुकी है जो कि नेशनल इमरजेंसी थी, आपको पता ही होगा। तो बेसिकली फेडरल से यूनिटरी रिलेशन में ट्रांसफर हो जाता है, ये अनोखा फीचर है हमारे संविधान का, ठीक है, कि जहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन में फेडरल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, और थोड़ा सा सिचुएशन अगर अगर मान के चलो कि दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है, वार हो जाता है या इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो वहाँ पर आपका बेसिकली यूनिटरी फीचर्स आ जाती हैं, तो पार्लियामेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है, तो वो हम इमरजेंसी के टॉपिक में देखेंगे। तो आपको इसमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल कवर दीज टॉपिक्स एज वेल। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 के तहत डील होती है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके स्टेट इमरजेंसी है वो तब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट की वो फेल हो जाती है, ठीक है, तब आपका आर्टिकल 356 बहुत बार लगा है ये प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो मैंने आपको बताया जब फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ हो जाती, हालांकि हमारे देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, नेशनल इमरजेंसी लग चुके हैं एंड आपके प्रेसिडेंट रूल लग चुके हैं, ठीक है। और ज़्यादा कॉमन लगने वाला क्या है, प्रेसिडेंट रूल, तो ये हमने बताया है आपको, समरी के रूप में समझाया आपको, तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। अगर आपको थकान लग रही है आप वीडियो पॉज करो, पानी पियो, कुछ नाश्ता करना चाहते हो नाश्ता करो, और फिर आप वापस आओ, सो दैट आपको फिर से रिफ्रेशिंग मूड में पढ़ने को आप समझ सको कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से, ठीक है। तो तब तक आप जा सकते हो, पानी पी सकते हो आराम से, एंड फिर मजे से आओ, मजे से वीडियो देखो, ठीक है। लाइटली आपको लेने हैं एग्जाम्स को, एंड लाइटली, बट जब आप प्रिपरेशन में हो तो सीरियसली, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चलना है एंड आगे बढ़ना है, स्लोली एंड स्लोली वी विल विन द रेस। तो यहाँ पर हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, प्रेसिडेंट का काफ़ी आसान है, आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो बेसिकली प्रेसिडेंट के ही नाम पर लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स इज बेसिकली इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है वो रूल्स बना सकते हैं, सो दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बिजनेस है, बिजनेस कहने का मतलब जो भी वो टास्क परफॉर्म करते हैं बेसिकली, उसमें आसानी उनको रहे, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो किस प्रकार से उनका जो टास्क है वो आसान किया जाए, उसके लिए वो रूल्स बना सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम बनाना ही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये देख लो आप, अपॉइंट्स द पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, तो पीएम को तो अपॉइंट करते ही हैं, और पीएम जो रिकमेंड करेंगे जिस भी पीपल को मिनिस्टर के रूप में, तो वो बेसिकली प्रेसिडेंट मिनिस्टर के रूप में उसको अपॉइंट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर बात हो गई, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट के बारे में हमने बताया ही था आपको, आपको
अभी हमने डिस्कस ही किया है कि जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, उनको ये अपॉइंट करते हैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, ठीक है, आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं हमारे साथ बोलना पड़ेगा, आपको चुप रहने नहीं है, आपको भी कमेंट करते रहने, सो दैट ये जो इंटरेक्शन है वो टू वे हो, वन वे नहीं हो। ठीक है, एंड ऑल्सो जो प्रेसिडेंट है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, रिनमरेशन यानी कि सैलरी सब डिसाइड करते हैं। एंड फिर आप देख सकते हो ही ऑल्सो अपॉइंट्स द फॉलोइंग पीपल, जो हमने ऊपर डिस्कस ही किया है, सीएजी, कंपटीटर ऑडिटर ऑफ जनरल, मतलब कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और सीएजी के कौन से आर्टिकल हैं आप हमें बताओ, बिकॉज इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। उसी प्रकार से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर है, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और ये आपका जो सीजी है आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। एंड वी हैव द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, जिसका एग्जाम आप देते हो, उनके जो चेयरमैन हैं एंड उनके जो मेंबर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। आप हमें बताओ प्रेजेंट चेयरमैन कौन है यूपीएससी के, जो भी हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपको दोनों तरफ से कमेंट करते रहने हैं बस। ठीक है, एंड वी हैव द स्टेट गवर्नर्स, तो स्टेट गवर्नर्स को भी अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट ही करते हैं। एंड वी हैव द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं, जो मेंबर्स हैं, वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। हर 5 साल में जो फाइनेंस कमीशन है वो गठित की जाती है, सो दैट ये डिसाइड किया जा सके कि जो आपके टैक्स से पैसे आते हैं उसको कितने पोर्शन में, कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है एंड उन्होंने रिकमेंडेशन दे दिए। 15th फाइनेंस कमीशन को चेयर किसने किया था, एनके सिंह ने। और बेसिकली एनके सिंह का क्या रिकमेंडेशन था कि भाई साहब 41% जो डिवोल्यूशन है वो स्टेट को दे एंड बाकी आपका सेंटर रखे, बाकी बहुत प्रकार के ग्रांट भी बेसिकली रिकमेंड किए थे। ये बातें हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ देख सकते हो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन लेना है प्रेसिडेंट को फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट तो वो ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है वो पीएम को सबमिट करने के लिए कह सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर, जिस पर किसी मिनिस्टर ने लेट्स से कि डिसीजन लिया है लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा उस डिसीजन पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है, तो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब जो प्रेसिडेंट है, उस पर एक प्रकार से उस मैटर को रखवा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ वो जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक है, इनके अपॉइंट करते हैं। एंड वी हैव द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बेसिकली इनके भी जो आपके चेयरमैन सब इनको अपॉइंट करते हैं। एंड वी हैव द नेशनल कमीशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये तीनों के तीनों आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हो गए। इन सब के बारे में हम डिस्कस करने, ठीक है, फिलहाल हमने ओवरव्यू आपको दे दिया है। साथ ही साथ इंटर स्टेट काउंसिल, जो आपका आर्टिकल 360, मतलब आर्टिकल 263 के अंतर्गत बेसिकली अपॉइंट किए जाते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को, और इसका काम है कि किस प्रकार से सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन ले आए, मतभेद कम करें, ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशन और अच्छा हो, कोई इंपॉर्टेंट इश्यू है, ठीक है, उनको डिस्कस करें, तो इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली गठित की जाती है। और इसको गठित कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। एंड ऑल्सो ही अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटीज, तो ये बात तो है ही है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रेसिडेंट वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को एज ए शेड्यूल्ड एरिया, एंड उनके पास पावर भी है कि उन शेड्यूल एरियाज को वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। शेड्यूल एरियाज किसके लिए डिक्लेयर की जाती है, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड वी हैव द शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, एंड जो आपके शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 है ना, वो आपके ट्राइबल अफेयर्स को ही डील करता है, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है, लेकिन फुर्सत में जब हम अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर लेंगे तो वो सब एक दिन की बात है। ठीक है, उस समय आपको टेंशन नहीं लेना है शेड्यूल या फिर आपके आर्टिकल्स, उन सबको हम एक ही साथ डिस्कस करने वाले। तो ये सब हो गई, चलिए अब हम आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली आपको पता है प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल एंड इंडिविजिबल पार्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया का। एंड पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन होते हैं ना, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, लेकिन प्रेसिडेंट मेंबर नहीं है राज्यसभा या लोकसभा के, ये ध्यान रखना है। आप यहाँ पर आपको डाउट में नहीं रहनी है, इसलिए यहाँ पर आपको मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या लेजिस्लेटिव फंक्शन है, ठीक है, जो आपके पार्लियामेंट सेशन है ना, उसको बुलाने की बात हो या फिर पार्लियामेंट सेशन को भंग करने की बात हो, तो वो कौन करेंगे, आपका प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, देख लो तीन चीजें होती है, एक तो शमन करना, एक प्रोरिग्यू करना एंड एक डिसॉल्व करना। डिसॉल्व करेंगे तो जो आपका पार्लियामेंट का या फिर लोकसभा का जो टर्म है ना, वही खत्म हो जाएगा। लेकिन शमन करने का मतलब ये कि हम सेशन को बुला रहे हैं, और प्रोरिग्यू करने का मतलब है मतलब सेशन को टर्मिनेट कर रहे हैं, सेशन को टर्मिनेट कर रहे हैं, और डिसॉल्व का मतलब तो हम हाउस को ही खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और इसके बारे में हम आने वाले पार्लियामेंट के चैप्टर में काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन को छोड़ो, टेंशन ले जाने के लिए हम है ना आपके लिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा डिजोल्व द लोकसभा, ये तो चलो रिपीट हो गई है। एंड साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, लेकिन कब कब एड्रेस करते हैं ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स के लिए, तो ही एड्रेसेस द पार्लियामेंट फर्स्ट, ध्यान रखनी है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। लेट से कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद लेट से कि हाउस जो है वो मिली, तो बेसिकली पहली बार जब हाउस मिली जिसमें नए नए मेंबर्स आए हैं सब, तो बेसिकली जो फर्स्ट सेशन है आफ्टर द जनरल इलेक्शन, वहां पर प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। साथ ही साथ ईच ईयर है ना, जो आपका फर्स्ट सेशन होगा वहां पर भी प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। कब कब एड्रेस करेंगे, एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, तो ये ध्यान रखनी है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग शमन कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक से कि लोकसभा है, ठीक है, राज्यसभा है, कोई बिल है, अब भाई साहब ये बिल जो है लोकसभा के पास आई तो अल्टीमेटली लोकसभा ने तो सहमति दे दिया, लेकिन ये बिल जब राज्यसभा के पास गई ना, तो राज्यसभा ने सहमति नहीं दिया, बोला कि नहीं भाई साहब हम तो सहमति नहीं देने वाले, तो देखो बिल अटक गया यहाँ पर, है ना, बिल तो आगे जाएगा नहीं प्रेसिडेंट के पास। या फिर इसका उल्टा कर दो, राज्यसभा के पास बिल आई, राज्यसभा ने पास किया, लेकिन लोकसभा के पास ये जब बिल गया डिस्कशन सब करने के लिए, पास होने के लिए, लेकिन लोकसभा ने मना कर दिया, तो ये बेसिकली ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको हम कहते हैं डेड लॉक। डेड लॉक मतलब कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा है, तो भाई साहब इसके लिए संविधान ने एक सोल्यूशन दिया कि भाई साहब क्यों ना ज्वाइंट सिटिंग करवा दे। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है कि भाई साहब राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली एक साथ इसको बैठा दो, एंड अल्टीमेटली यही हो गया आपका ज्वाइंट सिटिंग। लेकिन जो ज्वाइंट सिटिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए ही होती है, मनी बिल के लिए कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग इज ऑलवेज फॉर द ऑर्डिनरी बिल, एंड ज्वाइंट सिटिंग जब होती है तो बिल जब आएगा तो उसको कौन सी मेजोरिटी से पास करवाई जाएंगी, उसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास करवाई जाएंगी, और सिंपल मेजोरिटी इसलिए बिकॉज ये तो ऑर्डिनरी बिल है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्रिसाइड कौन करेगा इस ज्वाइंट सिटिंग को, तो ध्यान रखना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे, लोकसभा के जो स्पीकर है वो प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, और अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा, ये आप हमें कमेंट में बताओ। ठीक है, ये सब आप एक्सप्लोर करो, इन सबको जब एक्सप्लोर करोगे तो आपको सारे जो कच्चे चिट्ठे हैं ना वो खुल जाएंगे और आपको सारी जानकारी आने लगेगी। तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन आर्टिकल 108 में दिया गया है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका दोनों हाउस एक साथ बैठती है और प्रिसाइड किया जाता है, देख लो यहाँ पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जो प्रेसिडेंट है वो कुछ रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में रखती है, पार्लियामेंट के सामने रखती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के रिपोर्ट रखती है, तो बेसिकली यूपीएससी जो है एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, प्रेसिडेंट उसको ले डाउन करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, और कौन कौन से हो गए, सीएजी के रिपोर्ट हो गए, इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट हो गए, फाइनेंस कमीशन, सीबीसी और भी है, लेकिन ये सब चीजें याद रखनी है। प्रेसिडेंट लेज डाउन द रिपोर्ट्स ऑफ यूपीएससी, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिफोर द पार्लियामेंट। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है जो प्रेसिडेंट है ना वो डिसाइड भी करते हैं
जो एमपीज हैं अगर उन पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन की बात चल रही है तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या फिर नहीं किया जाए इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखनी है एक बात, क्या कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना मेरे मित्रों मेरे दोस्तों, जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, डिस्क्वालिफिकेशन एक तो संविधान ने डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी है, और एक डिस्क्वालिफिकेशन जो आप बार बार सुनते रहते होगे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो डिस्क्वालिफिकेशन है, तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है ना उसको कौन डिसाइड करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। कहने का मतलब ये है कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड मैटर लेट्स से कि अगर वो लोकसभा है तो जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के मैटर है वो लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे। अगर बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर राज्यसभा के मेंबर पर कोई चार्जेस लगे हैं तो बेसिकली जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो डिसाइड करेंगे। लेकिन संविधान ने भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही है, तो बेसिकली उस डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को लेकर जिस पर संविधान ने कहा है उस पर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो इतनी ज़्यादा क्लियरिटी से आपको कोई बताएगी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये सब बताने से आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें होगी। एंड साथ साथ ये भी आपको पता है कि जो आपके आर्टिकल प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस इन द यूनियन टेरिटरीज लाइक द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। अब तो दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एक ही हो गए, ठीक है, एंड वे द पुडुचेरी। तो ये ध्यान रखना है जो प्रेसिडेंट है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गवर्नेंस इन द यूटीज, और ये आर्टिकल 240 में दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आसान चीज़ें हैं, इसमें तो कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं हो रही है ना। जहाँ दिक्कत हो आप वहाँ कमेंट करिए, ठीक है, आई विल बी अवेलेबल टू रिस्पॉन्स यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, मैंने आपको बताया ये नॉमिनेशन पावर है प्रेसिडेंट का। और कहाँ पर नॉमिनेट करते हैं? राज्यसभा में। तो वो जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो किस चीज़ में एक्सपर्ट होने चाहिए? लिटरेचर हो या फिर साइंस हो या फिर आर्ट हो या फिर सोशल सर्विस हो, ध्यान रखना है ये चारों जो मैंने रेड कलर में दिया है। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे बिल हैं कि अगर उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाना है ना तो बेसिकली प्रेसिडेंट का प्रीवियस रिकमेंडेशन या फिर परमिशन लेना पड़ेगा। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा बिल है जहाँ पर प्रेयर रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो आपका कोष है ना, सरकारी कोष जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ से अगर एक भी रुपया निकालना है, ठीक है, पार्लियामेंट के अप्रोप्रिएशन बिल लाने के बाद निकाली जाती है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का प्रेयर कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये हमने बताया था जो आपके क्या कहते हैं चैप्टर 2 था यूनियन एंड टेरिटरी में, कि अगर अल्टरेशन करना है बाउंड्रीज ऑफ स्टेट का या फिर नए स्टेट क्रिएट करने हैं तो इसके लिए भी क्या है प्रेसिडेंट का प्रेयर आपका रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अदर लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि जब कोई बिल सेंड की जाती है पार्लियामेंट के पास आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि प्रोसेस तो यही होता है कि लेट से कि लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो बिल असेंट के लिए, तभी जाके वो एक्ट बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर मिल जाती है या तो उस बिल पर असेंट यानी कि पूरी तरह से सहमति दे दे, या फिर विथड्रॉल यानी पूरी तरह से खारिज कर दे, या फिर रिटर्न कर दे उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, कि भाई साहब एक बार फिर से देख लो कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ दोबारा अगर रिकंसिडर्ड मैटर फिर से पार्लियामेंट के पास आएगा तो बेसिक पार्लियामेंट नहीं प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल यानी कि असेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन ये ध्यान रखना है ये जो आपका रिटर्न करने की बात है और रिकंसिडरेशन मनी बिल के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के लिए अलाउ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये बात हो गई। साथ ही साथ ये देख लो, ये भी तो मैटर आ सकती है ना, जब कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया, बिकॉज ये जो गवर्नर हैं
वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर होते हैं ना, सबसे टॉप पर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं स्टेट लेवल पर, वो गवर्नर होते हैं। तो बेसिकली गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो जब कोई बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास से, तो वो पहले गवर्नर के पास जाएगा असेंट के लिए, ठीक है? जैसे आपका सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर गवर्नर के पास जाएगा। लेकिन गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर है कि उस बिल को रिजर्व कर सकती है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, ठीक है? तो जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर भी उस बिल के लिए असेंट दे सकते हैं, या फिर उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, या फिर गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस बिल को रिटर्न कर दिया जाए फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। एंड साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट को, और ध्यान रखना है प्रेसिडेंट तभी ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करेंगे जब दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, या फिर वन ऑफ द हाउसेस, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, ठीक है, वो सेशन में नहीं हो। एक आवाज आपको ही पता है ना, जब सेशन में हो तो ऑर्डिनेंस की तो बात ही नहीं होगी, तब तो डायरेक्ट हाउस में जाए बिल पास करवाए। लेकिन ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया है? तो सो दैट इमरजेंसी सिचुएशन में कोई बिल पास करवाना है, इसलिए ऑर्डिनेंस का कंसेप्ट है। दैट्स व्हाई इट इज टेम्पररी, 6 महीने एंड 6 वीक, देख लो यहाँ पर 6 month एंड 6 week तक ये वैलिड रहता है एट मैक्स, है ना? इसके बाद बेसिकली अगर पार्लियामेंट ने पास नहीं किया तो बेसिकली ये अपने आप ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। तो ये हमने देखा मित्रों, अब चलते हैं हम फाइनेंशियल पावर की तरफ। तो फाइनेंशियल पावर मतलब क्या? रिलेटेड टू मॉनेटरी। मनी बिल की बात करते हैं, तो मनी बिल भी एक प्रकार से आपको मैंने बताया, पहली बात तो ये कि जो मनी बिल है ना, वो आर्टिकल 110 यानी कि आर्टिकल 110 के अंतर्गत डील करता है, ठीक है? और फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत क्या प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि जो मनी बिल है ना, वो इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में तभी होगी अगर प्रेसिडेंट का प्रेयर रिकमेंडेशन लिया गया हो, यानी कि प्रेसिडेंट का प्रेयर रिकमेंडेशन लेना जरूरी है टू इंट्रोड्यूस ए मनी बिल, ठीक है? एंड साथ ही साथ ये भी आप देखते हो हर एक बजट सेशन में, जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टाइमली बेसिस पर रखवाने का प्रयास करते हैं। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? और कुछ नहीं, बजट ही है, ठीक है? तो ये बातें हो गई, ये ध्यान रखना है ये जो दो फंक्शंस है। एंड साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एडवांसेस यानी कि पैसे निकाल सकते हैं, सो दैट कोई अगर अनफॉर्सीन एक्सपेंसेस आ गई हो, ठीक है, लाइक कोई डिजीज आ गया हो, पैसे की कमी हो रही है, तो ये जो कंटिजेंसी फंड है ना, ये इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे प्रोवाइड करती है, और इसमें कुछ बदलाव किया गया है, ठीक है? ये भी हम देखेंगे पार्लियामेंट के चैप्टर में। बेसिकली कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड वी हैव द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड वी हैव द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये 3 मेजर फंड है। तो इसके बारे में पार्लियामेंट के चैप्टर में अच्छे से दी गई है, हम उसी से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? साथ ही साथ देखो, जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करती है। फाइनेंस कमीशन मैंने आपको बताया आर्टिकल 280 के तहत है, एंड हर 5 सालों में, किस लिए? टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, की जो टैक्सेस से पैसे आ रहे हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में कितने जाने हैं। तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन में मैंने आपको बताया, अभी 41% शेयर जो है वो स्टेट को गया है, ठीक है? अब वहां से डिफरेंट स्टेट को जाएंगे डिफरेंट परसेंटेज में। एंड साथ ही साथ ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ओनली रिकमेंडेशन। जब तक प्रेसिडेंट ग्रांट रिकमेंड नहीं करती, तब तक ग्रांट जो है नहीं दिए जा सकते। ग्रांट बेसिकली यूँ कह सकते हो कि ऐसी मनी जो बेसिकली लोन के रूप में नहीं, बल्कि एक जो हेल्प के रूप में दी जाती है ना। आपने सुना होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ग्रांट दी जाती हैं, ठीक है? तो ग्रांट मतलब क्या? पैसे दे दिए जाते हैं और ये लोन के रूप में नहीं होता है। तो ये सब हमने फाइनेंशियल पावर डिस्कस किया। अब चलिए हम जुडिशियल पावर देख लेते हैं। जुडिशियल पावर क्या हो सकता है, आप ही बताओ, ठीक है? प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर भी है, कैसे है तो अभी हम आपको बताते हैं। पहली बात ये कि आप बताओ, जो CJI है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एज वेल एज जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज वेल एज द जजेज ऑफ हाई कोर्ट, उसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन रिकमेंड कौन करता है? तो
तो आपने कलिजियम सिस्टम सुना है? कलिजियम सिस्टम में क्या है, जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो बेसिकली एक साथ बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि बेसिकली कौन से जो जज हैं उनको अपॉइंट किया जाए, वो रिकमेंड करते हैं और अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट है वो उनको अपॉइंट करते हैं। ये कलिजियम सिस्टम है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ देख सकते हो आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी लॉ या फिर फैक्ट्स। एंड यहाँ पर जैसा कि आप भी समझ सकते हो, जो एडवाइस दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। एंड आर्टिकल 72, यहाँ पर देखिए आप, ये बेसिकली पार्डनिंग पावर है, क्षमा करने की पावर। तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के तहत पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन का सख्ती दिया गया है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो कन्विक्टेड हुआ कोई भी ऑफेंस किया तो, एंड उसको सजा मिली, तो बेसिकली प्रेसिडेंट के पास ये पावर दी गई है कि लेट्स से डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डेथ सेंटेंस को भी हटा सकती है या फिर उसका जो भी सजा है उसको ख़त्म करवा सकती है, या फिर उसके टर्म को, जो सेंटेंस का टर्म है 2 साल है या फिर 10 साल है, उस टर्म को भी कम करवा सकती है। तो ये सब कुछ पावर है, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 72 की बात करें तो वो ग्रांट करते हैं पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, एंड साथ ही साथ कौन से केसेस में, ये ध्यान रखना है कौन से केसेस में, तो यहाँ पर देख लो, इन ऑल द केसेस वेयर द पनिशमेंट या फिर सेंटेंस, यानी कि जो पनिशमेंट दी गई है या फिर जो सजा दी गई है वो कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई हो, तो यहाँ पर ये सारे जो आर्टिकल 72 के तहत माफ करने वाले टूल है ना, वो लागू हो सकते हैं, या फिर जो पनिशमेंट है या फिर सेंटेंस जो दी गई है वो बेसिकली यूनियन लॉ के प्रोविजंस का वायलेशन के ग्राउंड पर दी गई, यानी कि कोई यूनियन लॉ में बेसिकली यूनियन लॉ के तहत कोई सजा का प्रावधान है, तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट जो है ये पावर इंजॉय कर सकता है, एंड या फिर जो सेंटेंस है वो डेथ सेंटेंस है, तो ये बातें हैं। साथ ही साथ हम डिप्लोमेटिक पावर की बात करेंगे, ठीक है, तो डिप्लोमेटिक पावर की बात करते हैं, तो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं या फिर एग्रीमेंट है, ये ध्यान रखना है, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट साइन होती हैं वो बेसिकली प्रेसिडेंट के बिहाफ पर साइन होती है, एंड बेसिकली याद रखना है पार्लियामेंट का अप्रूवल भी ज़रूरी होता है, तो ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर साइन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, तो सही होगा, ठीक है, एंड साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, साथ ही साथ सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं डिप्लोमेट्स को, लाइक एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स। एंड अब चलते हैं मिलिट्री पावर, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो मिलिट्री पावर की बात करें तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के, ये ध्यान रखना है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके होम मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट होते हैं, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर को, या फिर प्रेसिडेंट अगर चाहें तो कंक्लूड कर सकते हैं पीस को भी, बट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स अप्रूवल। एंड साथ ही साथ देख सकते हो जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये क्या हो गई, मिलिट्री पावर हो गई। एंड अब क्या है, इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर मैंने आपको बताया था ना कि क्यों इमरजेंसी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो बेसिकली एनफोर्सिंग सिचुएशन जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का दिक्कत आ गया, या फिर यूँ कह सकते हो कि जहाँ पर एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी देश ने हमला कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि अपने देश की सुरक्षा करना काफ़ी ज़रूरी होगा, दैट्स वाई उस समय सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है, ठीक है, फेडरल से यूनिटरी फीचर्स में आ जाता है हमारा देश, तो ये ध्यान रखेंगे, इसे इमरजेंसी पावर दी गई। तो देख सकते हो कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोवाइड किया है कि जो यूनियन का पावर है वो टाइट हो जाएगा कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, एंड 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, तीनों प्रेसिडेंट ही बेसिकली लगाएगा। एंड नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत है, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं 356 के तहत, एंड वे हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत, और इसको हमें डिस्कस करना है अलग से
इमरजेंसी के चैप्टर में, और ये चैप्टर काफ़ी आनंदमयी है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। बस आपको लगे रहना है, बने रहना है, एंड ध्यान रहे फ्रेंड्स आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, बट मेक श्योर कि आपको रिविजन करना है टाइमली बेसिस पे, सो दैट ये चीज़ें आपको याद हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमें, आप हमें बताओ कि ये लेक्चर सीरीज क्या आपको चीज़ें सही लग रही है, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो फिर कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो, एंड अल्टीमेटली लाइक का बटन करो। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज आपको ये करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।